Give her the money. मैं इस वक्त मौजूद हूँ मायो नाले के अंदर। स्प्रिंग वाटर है यानी कि पीने का साफ पानी। इस स्प्रिंग वाटर को खानाबाद के लिए यहाँ से थ्रू किया गया है और ये पाइप के ज़रिए से पीने का साफ पानी मुहैया किया जा रहा है। तकरीबन इस पानी की सप्लाई को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। गो कि इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 84% बीमारियाँ या तो वाटर रिलेटेड हैं, मीन्स कि पानी से बीमारियाँ पैदा होती हैं या पानी के ज़रिए से होती हैं। ये बहुत बड़ा मसला है पानी का गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। तो पीने का साफ पानी तमाम जो अजला हैं गिलगित बल्तिस्तान के वहाँ मुहैया नहीं है। तो ऐसे में एक कुदरत की तरफ से एक शाहकार मौजूद है और इसको कनेक्ट किया गया है खानाबाद, एक गांव है वहाँ के लिए। तो 8 साल से खानाबाद के जो बासी हैं, खानाबाद के जो मकीन हैं, वो यहाँ से पीने का साफ पानी तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ये नाला है, उस नाले में से पाइप गुजारा है और पाइप को कनेक्ट किया गया है वाटर टैंक्स के अंदर और वहाँ से पानी की सप्लाई पूरे गांव को दी जा रही है। तो ऐसे में ये एक बहुत ज़बरदस्त वाटर सोर्स है, इसको मज़ीद प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ से तो एट सोर्स पानी निकाल के लेकर जाया जाता है, लेकिन इस पानी को मज़ीद फिल्टर करके इसमें से जो मिनरल्स का मकदार है थोड़ा डाउन करके, क्योंकि वैसे पानी बहुत साफ़ है, बायोलॉजिकली ये पानी बहुत साफ़ है, लेकिन इस पानी के अंदर मिनरल्स की जो मकदार है वो ज़्यादा है। इस मिनरल की मकदार को कम करने के लिए इस पानी को वाटर टैंक्स में स्टोर करके उसमें से उस मिनरल की मकदार को कम करके अगर सप्लाई किया जाए तो उससे आपके पेट में जो आपके जो गुर्दे में जो पथरी होती है वो नहीं होती। गुर्दे की जो पथरी जो होती है वो अगर पानी के अंदर मिनरल्स की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में गुर्दे में पथरी हो जाती है। इस पानी में बायोलॉजिकली कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस पानी के अंदर मिनरल्स की थोड़ी सी मकदार ज़्यादा है। अगर इस पानी को मज़ीद प्योरीफाई करके मिनरल्स को गिराकर कम करके अगर गांव को सप्लाई किया जाए तो जो भी आगे आने वाले दिनों में लोगों में जो बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होंगी। पानी बिल्कुल पीने का काबिल है लेकिन मिनरल्स की मकदार अकॉर्डिंग टू सर्टन रिपोर्ट्स ज़्यादा है। तो ये एक कुदरत की तरफ से एक शाहकार है। चारों तरफ पानी लेकिन यहाँ पर पीने का साफ पानी, और ये नीचे से निकल रहा होता है, ये स्प्रिंग वाटर कहलाता है और ये पानी लोग पीते हैं और ये एक हेल्दी पानी है, लेकिन ये कि इसके अंदर मिनरल्स की थोड़ी सी मकदार ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पे पानी पीने के लिए लायक है। मेरा नाम रहमत करीम है, मैं बेसिकली हुसैनाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर ये जो पानी है वो खानाबाद के लिए जो है ना मुहैया किया गया है। तकरीबन ये 7-8 साल हो गए जो कि यहाँ पे जो MNA था वज़ीर बेग, उसने इफ्ताह किया था इस पानी का और खानाबाद के लिए जो है ना पानी का जो सप्लाई है खानाबाद के लिए किया गया है। ठीक है, बाकी पानी जो है साफ पानी खानाबाद के लिए, हुसैनाबाद के लिए इस वक्त साफ पानी मुहैया नहीं है। ठीक है, हम नाले वाला जो जिसके अंदर खालिस मट्टी है वो हम पी रहे हैं। इस वक्त कोई प्रोजेक्ट हुसैनाबाद के लिए नहीं है, क्योंकि आने वाला वक्त में शायद प्रोजेक्ट रखा हो, लेकिन इस वक्त हुसैनाबाद के लिए कोई साफ़ पानी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये पानी वाफर मकदार में यहाँ से निकल रहा है, वो हुसैनाबाद के लिए भी ज़्यादा है। हुसैनाबाद के लिए इससे बड़ी लाइन लग सकती है, यहाँ से हुसैनाबाद के लिए भी ये बहुत ज़्यादा है। हुसैनाबाद के लिए भी ये जो ना काफ़ी मकदार में मुहैया हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो ये बताएं कि इस पानी के अंदर तो ये मुझे सेहत नहीं, बायोलॉजिकली बेहतरीन पानी है, लेकिन थोड़ी सी मकदार मैंने सुना है इस पर काम चल रहा है, इस पर टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो इसमें मिनरल्स की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा है, क्या कहेंगे? हमारे इलाकों में तो पानी गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ होती हैं, तो आप हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगे कि कम से कम हुसैनाबाद भी इस पानी के रिसोर्स से मुस्तफीद हो सके? बिल्कुल, साफ पानी इससे तो गुर्दे की बीमारियाँ तो नहीं हो सकती है। बहरहाल हम लोग के जो पानी पीते हैं वो गर्मी के मौसम में ज़्यादातर जो है ना जिसके अंदर वाफर मकदार में मट्टी होती है, उसके अंदर रेत शामिल होता है, वो हम पीते हैं, जिसकी वजह से गुर्दे के अंदर पथरी जो है ना हो जाती है और इस वजह से काफ़ी बीमारियां जो है ना इस मट्टी की जो पानी की वजह से जो है ना बीमारियां होती है। बाकी ये जो पानी नज़र आ रहा है जो खानाबाद के लिए मुहैया किया गया है, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ
इसमें जो है ना बीमारी बहुत कम मकदार में, समझ लो 95% 99% तो बिल्कुल साफ सुथरा पानी है ये। तो बाकी जो हम पानी हुसैनाबाद वाले पी रहे हैं उसमें तो जो ना है बीमारी ही है, जो हमारे वहाँ बहुत सारे जो गुर्दे की बीमारी है, बीमारी में मुबतला हो रहे हैं वो इस पानी की वजह से। क्या कहलाती है? इस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर आप भाग रहे हो? हाँ।